भाव से मांगे शरणों में चलते हैं श्रद्धा के साथ। क्या बात है छोटे कन्हैया वानर बालक एक सुबाहु जहां देखे कहीं करे उपाऊ। गोस्वामी ने कहा कि बंदर और बच्चा एक से होते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। आइए भाव से मां के चरणों में शब्दों को सुनना और साथ साथ प्रार्थना करना। दे दो थोड़ा प्यार, दे दो थोड़ा प्यार ए मैया तेरा क्या घट जाएगा। दे दो थोड़ा प्यार ए मैया तेरा क्या घट जाएगा। दे दो थोड़ा प्यार ए मैया तेरा क्या घट जाएगा। दे दो थोड़ा प्यार ए मैया तेरा क्या घट जाएगा। मेरा कष्ट मिट जाएगा। सिरों वाली मैया मेरा कष्ट मिट जाएगा। दे दो थोड़ा प्यार। दानी है दयाल तू तो बड़ी दातार है। दानी है दयाल तू तो बड़ी दातार है। महिमा पार तेरी पाया नहीं पार है। महिमा पार तेरी पाया नहीं पार है। और मां नाटे जमाना हंस जाएगा। की जो आज तू जमाना हंस जाएगा। सिरों वाली मैया मेरा कष्ट मिट जाएगा। सिरों वाली मैया मेरा कष्ट मिट जाएगा। दे दो थोड़ा प्यार। जाते हैं किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाती है माँ। और आपको भी भाव से माँ से कहना है इसको सादा करो। देखिए कीर्तन जागरण सत्संग भागवत ये सब किस लिए होते हैं? ये सब आपकी बुद्धि को बदलने के लिए मन को परिवर्तित करने के लिए किए जाते हैं। अगर इनको सुनने के बाद में भी हमारा अगर मन नहीं बदलता तो इनका सबका होना बेकार है। क्योंकि भगवान का कीर्तन सत्संग भागवत ये सब मेडिटेशन है आपकी जो है मानसिक स्थिति को बदलने के लिए मन को बदलने के लिए। और माँ के दर पे यथा श्रद्धा तथा फलम, जैसी हमारी श्रद्धा होती है वैसा ही हम इसका फल होता है। कोई भी पूजा हो कोई भी कीर्तन हो और भाव से माँ से कहना है, थोड़ा सादा ही रह देना। और माँ के चरणों में भाव से बोली देती हो सभी को आ।
तेरा गुण गाऊंगा। भर दो झोली मैया तेरा गुण गाऊंगा। हे मां आज भक्त तेरा नहीं खाली हाथ जाएगा। आज भक्त तेरा नहीं खाली हाथ जाएगा। सिरों वाली मैया मेरा कष्ट मिट जाएगा। सिरों वाली मैया मेरा कष्ट मिट जाएगा। और माँ तो माँ होती है, तारती हूँ पापियों को प्यारी की निगाहों से। तारती हो पापियों को प्यारी की निगाहों से। बाबा तारती हो पापियों को प्यारी की निगाहों से। तारती हो पापियों को प्यार की निगाहों से। मेरा भी भंडार भरा भंडार भरा पूर्ण गुनाहों से। संसार में ऐसा कोई नहीं है जो पाप नहीं करता, लेकिन मनुष्य से ज्यादा कोई पाप नहीं करता। सबको खाने के लिए सब वस्तुएं बनाई हैं। जो नुकीले दांत के जानवर हैं उनके लिए मांस बनाया, और जिनके तीखे दांत नहीं है उनके लिए घास फूस बनाई। गाय कभी भी मांस नहीं खा सकती और शेर कभी भी घास नहीं खा सकता, लेकिन भला हो इस इंसान का, मांस मिल जाए मांस खा जाए, घास मिल जाए घास खा जाए, और कुछ भी ना मिले तो समझाने वाले का दिमाग खा जाए। क्या बात है बाबा, हमसे ज्यादा पापी कोई नहीं। कितने पाप है मां को बता रहा है भक्त। तारती हो पापियों को प्यारी की निगाहों से। तारती हो पापियों को प्यार की निगाहों से। मेरा भी भंडार भरा पूर्ण है गुनाहों से। मेरा भी भंडार भरा पूर्ण है गुनाहों से। सुनोगी तो आपका मां, कलेजा फट जाएगा। सुनोगी तो आपका कलेजा फट जाएगा। सिरों वाली मैया मेरा कष्ट मिट जाएगा। सिरों वाली मैया मेरा कष्ट मिट जाएगा। और अंतिम शब्दों में सुनिए, जब इंसान सब जगह से परेशान हो जाता है, भक्तों के पास से, पंडितों के, मौलवियों के, तो अंत में फिर कहता है कि भाई अब तो भगवान का ही सहारा है। दुनिया को छोड़ मैंने तुझको पुकारा। दुनिया को छोड़ मैंने तुमको पुकारा। तेरा ही भरोसा मुझे तेरा ही सहारा। 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 और उठाई हाथ भाव से माँ से कहते एक बार कि माँ अब तो तेरा ही सहारा है। दुगन में कहना है, देख एक बार मेरा पाप कट जाएगा। देख एक बार मेरा पाप कट जाएगा। सिरों वाली मैया माँ, सिरों वाली मैया मेरा कष्ट मिट जाएगा। सिरों वाली मैया मेरा कष्ट मिट जाएगा। थोड़ा प्यार है मैया तेरा क्या घट जाएगा। दो थोड़ा प्यार है मैया तेरा क्या घट जाएगा। बुढ़ैया तो माँ का नाम लीजिए, बड़ा प्यारा नाम है। जोर से बोलो माता की, सारे बोलो माता, जरा हाथ उठा के माता।
कर ताली बजा के बोली माँ मेरी माँ भर दे झोली माँ कष्ट निवारे माँ पारी उतारे जोर से बोलो माँ वैष्णो रानी माँ जग कल्याणी माँ देवी दर्शन माँ जोड़े दर्पण बोलिए सच्चे दरबार जय।